स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं हज से हर गिज मंजूर नहीं करूंगा। ये बात परम कुछ बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कही थी। इसलिए साथियों, इसलिए माननीय सभापति महोदय, आज मैं बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके निर्देश पे मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश्वर राव जी, थैंक यू चेयरमैन फॉर गिविंग दिस ऑपर्चुनिटी। Chairman, this is a historic bill brought to a historic decision taken by a Prime Minister and Honorable Home Minister Sri Amith Shah ji. I raised to support this bill on behalf of our party, Telangana Rashtra Samiti. जो भी historic का जो blunders होता है, उसको इसी तरह से जो है correct भी करने का जरूरत पड़ता है, और उसको करेक्ट करने के लिए बिल आया है। बहुत खुशी का बात है। अभी मॉर्निंग में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल के बारे में जब डिस्कस करने का टाइम में दोनों तरफ में कुछ बात आया है, उस टाइम में एक बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बताया है, जो भी पीओके जो अभी पीओके के बारे में भी बात करते हुए वो भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोल के बताया है। हम तो होम मिनिस्टर साहब का हम यही बोलना चाहता है, साहब ये पीओके निकाल दीजिए, ये आईके को करिए, इंडियन कश्मीर को उसको करवा दीजिए, आपके लिए सेकंड स्टेप अभी रेडी है। इसका बाद सेकंड स्टेप आप उसको जो है लेना पड़ेगा, उस तरह से उसको लेके आइए। और कुछ लोग जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद का, जानगढ़ का बारे में भी बता रहा था, जब वो बात करने का टाइम में सरदार पटेल जी का, नेहरू जी का बारे में भी दोनों तरफ का बात सुना है। वो हिस्ट्री है, वो खत्म हो गया है। अभी हम लोग सब ये एग्री किया, वो मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए तो ये बिल आया है। उसमें उसको जो बिल में जिस तरह से अपना होम मिनिस्टर साहब ने जो प्रॉमिसेस किया है, कल भी हम राज्यसभा का गैलरी में बैठ के होम मिनिस्टर साहब का हर एक बात को हम सुना है। वो सुनने के बाद हम लोग ये सोचा है, अगर ये बिल को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करें तो देशवासी कश्मीर लोग हम लोग को छोड़ेगा नहीं है। वो सोचेगा ये लोग जो है ना देश के विरोधी बोल के सोचेगा, ये सोचेगा ये कश्मीर का विरोधी बोल के सोचेगा, इसलिए ये बिल को मदद करने का जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में पार्ट टू में बिल में दो इश्यू को डिटेल में तो हम नहीं जाएगा, हमारा पार्टी का टाइम हमको मालूम है। उसमें पार्ट टू में एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लडाख विदाउट लेजिस्लेशन, वो एक मुद्दा है। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेशन, ये दोनों का बारे में डिटेल में जो है बिल के बारे में बताया। मगर कल होम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से राज्यसभा में बताया, पूरा मीडिया में भी आया, ये भी आने वाला टाइम में 5 साल का अंदर फुल फ्लेज्ड असेंबली को लेके आएगा, ये भी बहुत जो है ना अच्छा बात है। ये बात पूरा जो है कश्मीर का जो लोग पूरा खुशी हो जाएगा, आने वाला टाइम में उसका राष्ट्र को पालने के लिए पूरा अधिकार और राष्ट्र को दे रहा है, ये भी जो है ना बहुत अच्छा बात है। उसके साथ साथ कल जब बात करने का टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट का, डेवलपमेंट के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बारे में, दलित आदिवासी का रिजर्वेशन का बारे में भी होम मिनिस्टर साहब ने बताया। सब इसमें एक हमारा साथ, हम जो पहले भी 15th लोकसभा में हम ये हाउस का मेंबर था, जब हाउस चलने का टाइम में, जब हाउस चल रहा था उस टाइम में कश्मीर में करीब करीब 300 बच्चा लोग जो है ना मरा हुआ है। ये हाउस में उस टाइम में फारूक अब्दुल्ला साहब था,
सब लोग हम लोग सब ये डिसाइड किया था जब एक तरफ से हाउस चल रहा है दूसरे तरफ से उधर बच्चा लोग मर रहा है उसने हाउस में ये डिसाइड किया है पूरा लीडर्स को लेके हम लोग जो है ना कश्मीर में गया है कश्मीर में जाने के बाद हर एक सेक्शन का आदमी लोगों के साथ डिस्कस किया है उसमें सुषमा स्वराज स्वराज भी था मैडम अरुण जेटली साहब था बालू साहब तो अभी नहीं है बालू साहब भी था रामविलास पासवान जी साहब था सीताराम येचुरी साहब था हमारा मित्र वैसे साहब भी था हम लोग जो ना तीन दिन जो है ना हर एक सेक्शन का आदमी से कश्मीर में बात किया है स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ है यूथ के साथ डिस्कशन हुआ है ट्रेडर के साथ डिस्कशन हुआ है कॉमन पीपल के साथ डिस्कशन किया है ये सब डिस्कस करने के बाद वो लोग जिस तरीके से जो ना हम लोग को बताया बोला इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है पहले टूरिज्म था अभी टूरिज्म पूरा टप हो गया इधर अनएम्प्लॉयमेंट है कोई भी इंडस्ट्री नहीं है ये सब जो है ना बात हम लोग का टीम का साथ जो है ना हम लोग का बात सामने आया था हम लोग वहां से वहां तक हम छोड़ा नहीं है जो हम लोग का ये हरियत कॉन्फ्रेंस का जो लीडर के साथ भी हम लोग बात किया है उस समय एक एक टीम एक एक आदमी लोगों के पास भेजा था हमारा टीम में जो है ना वो एसएस साहब भी था सीताराम येचुरी साहब भी था हम लोग चार आदमी जब 144 सेक्शन रहते हुए हम लोग जो है सबका बात करके किसी तरीके से ये कश्मीर के इश्यू को खत्म करने के लिए हम लोग सब प्रयास किया है ये 2010 में था अभी नाइन ईयर्स हो गया ये 9 साल में कुछ नहीं होने की वजह से कश्मीर जो है ना वो एक अवकाश जिस तरह से 15th लोकसभा में सब लीडर्स को लेकर जाके बात करके इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं आया आज के दिन में जो है ना सोल्यूशन जो है ना अभी ये हाउस में ये सोल्यूशन जो है ना कश्मीर का मुद्दे के ऊपर जिस तरह से जो ना ये 370 को खत्म करने के लिए जो लाया है वो बहुत खुशी का बात है कल कुछ लोग बोल रहा था पांच मतलब कल तो 5th को उधर राज्यसभा में बिल पास हुआ था 6th को तो जो है ना वो पास हुआ बिल की दर जो लगा है कल तो बहुत लोग बोल रहा था अभी भी कुछ लोग बोल रहा था ये तो जो है ना काला दिन है हम तो बोलेगा ये काला दिन नहीं है क्रांति दिन है विकास का दिन है ये काला दिन कैसा होगा अगर उधर कश्मीर अपने भाई बहनों को माइनॉरिटी पीपल को मुस्लिम लोगों को और हर एक तरीके का जो लोगों को अगर डेवलपमेंट देते हैं तो कैसा काला दिन होगा एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो कैसा काला दिन होगा उसका जो है ना इंडस्ट्रीज लगाए तो कैसा तो काला दिन होगा उसलिए ये काला दिन नहीं है ये क्रांति दिन है ये विकास का दिन है उसको जो है ध्यान में रखने का जरूरत है उसी तरीके से हम लोग हर एक टाइम में स्टेट्स को छोटा होने से डेवलपमेंट ज्यादा होगा बोल के हमारा लीडर केसीआर साहब का जो व्यू था उसने तेलंगाना भी जब देने के बाद आप लोग देखा है 5 साल के अंदर तेलंगाना में अभी इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो डेवलपमेंट का विषय में हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किया है फार्मर्स का भी डेवलपमेंट किया है उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम लोग का 24 आवर्स अभी अवेलेबिलिटी है और इस तरह से जो है ना सब डेवलपमेंट जो जिस तरह से जो ना छोटा स्टेट होने की वजह से जो हुआ है उसी तरह से अभी जो भी यूटी जो बनाया ये डेवलपमेंट जो है जरूर जो है ना करने के लिए ये बिल्कुल इसलिए हम लोग मदद कर रहा है कल अमित शाह साहब ने ये बताया था हम 5 साल के अंदर कश्मीर को नंबर 1 करके दिखा देगा डेवलपमेंट में उसलिए हम लोगों मदद कर रहा है वहां का जो यूथ को वहां का जो मुस्लिम का माइनॉरिटी का हिंदू का सिख का जो यूथ को नौकरी देगा बोल के बोले उसलिए हम लोग मदद कर रहा है ये डेवलपमेंट का मुद्दा को वो लोग अभी तक जो है ना कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं था उसलिए आज के दिन में उस वादों का वजह से हम लोग जो है ना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम तो यही बोलना चाहता है अगर पहले हम लोग अगर कश्मीर का याद आए तो हर एक टाइम में हम लोग ये सोचता था कश्मीर जो है एक पैराडाइज ऑफ अर्थ और उतना ब्यूटीफुल जो है ना कश्मीर वैलीज का साथ रिवर का साथ
माउंटेन का साथ, सीनरीज का साथ, अभी इतना सुंदर कश्मीर को हम लोग जो है ना बचा नहीं पाए इतना दिन से, यह दुख का बात है। सब लोग उस लाइन में सोचना चाहिए। हमको अभी पूरा उम्मीद है, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने उधर का हाउस को, और आज भी जो है ना जरूर जो है ये बातों को सबको जो है वो इधर भी बात करेगा, और उसी वादा से वो लोग का पूरा विश्वास के साथ आने वाला टाइम में भी हम लोग सब ये जो है ना कश्मीर का डेवलपमेंट में हम लोग का पार्ट होना चाहिए, हम लोग का विकास होना चाहिए। और लोग भी सोचना चाहिए, हम भारत का आदमी है, कश्मीर बोले तो इतना प्यार का आदमी है।